एबीपी न्यूज। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को छात्र युवाओं ने बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। आज ऐसा ही नज़ारा झारखंड के पलामू जिले में देखने को मिला। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आईसा और भीम आर्मी के लोगों ने 17 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। सैकड़ों छात्र युवाओं ने शारीरिक दूरी का पालन करते हुए पांकी में अम्बेडकर चौक से हाथ मशाल निकालते हुए नारा लगाते हुए कर्पूरी चौक पर नुक्कड़ सभा किया। वहीं पलामू जिले के मुख्यालय मेदिनीनगर में शहीद भगत सिंह चौक पर नारेबाजी की गई। इस कार्यक्रम का नेतृत्व पांकी में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ एवं भीम आर्मी के परमंडलीय अध्यक्ष नागमणि रजक ने संयुक्त रूप से किया। डाले ने यहीं मेदिनीनगर में पलामू जिले के सह सचिव दानिश खान और जिला अध्यक्ष दिव्या भगत ने किया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को आज पूरे देश भर के छात्र युवाओं ने बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है, क्योंकि आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा मोदी सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है। वक्ताओं ने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, तब से लगातार रोजगार के अवसर को खत्म कर रही है सरकार। रोजगार के अवसर को बढ़ाने के बजाय सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंप रही है। रेलवे, हवाई अड्डे, स्टेशन, देश के अन्य खनिज संपदाओं, यहाँ तक कि देश की धरोहर लाल किला को भी निजी हाथों में सौंप दिया। वक्ताओं ने कहा कि भारतीय रेलवे ने सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करते थे, लेकिन रेलवे को भी इन्होंने निजी हाथ में सौंपते हुए रोजगार में भारी कटौती की गई है। इस लॉकडाउन के दौरान 14 करोड़ से ज़्यादा लोगों का रोजगार छीना गया है। देश में बेरोजगारी की फौज खड़ी हो रही है। छात्र युवाओं को रोजगार नहीं मिलने के कारण परेशान होकर डिप्रेशन में आकर हजारों लोग जान दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ मोदी सरकार ने लॉकडाउन को अवसर में बदलते हुए मजदूर विरोधी कानून बनाना, नई शिक्षा नीति लाना, जो 30 साल के बाद नई शिक्षा नीति आई है, लेकिन इसके ऊपर संसद में कोई बहस नहीं चली। इस नई शिक्षा नीति में गरीब छात्रों को हाशिए पर पड़े लोगों को शिक्षा से वंचित करता है, शिक्षा को निजीकरण का बढ़ावा देता है। अर्थव्यवस्था पर रोक लगा।